हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 50 सीरियल यानी अनाज के नाम हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, वो भी पिक्चर के साथ में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और समझ जाए कि किस अनाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इसे हिंदी में जौ बोला जाता है और अंग्रेजी में बर्ली बोला जाता है। जौ को अंग्रेजी में बर्ली बोला जाता है। गेहूँ, गेहूँ को अंग्रेजी में हम लोग व्हीट बोलते हैं। गेहूँ को अंग्रेजी में हम लोग व्हीट बोलते हैं। इसे मक्का बोला जाता है हिंदी में और अंग्रेजी में इसे मेज बोला जाता है। मक्का को अंग्रेजी में मेज बोला जाता है। इसे हम लोग हिंदी में बजरा बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे मिलेट बोला जाता है। बजरा को अंग्रेजी में मिलेट बोला जाता है। इसे हम लोग हिंदी में चावल बोलते हैं और अंग्रेजी में राइस, यानी चावल को अंग्रेजी में राइस बोला जाता है। इसे हम लोग हिंदी में ज्वार बोलते हैं और अंग्रेजी में सोरघुम बोलते हैं। ज्वार को अंग्रेजी में सोरघुम बोलते हैं। नेक्स्ट है दलिया। दलिया को अंग्रेजी में हम लोग क्रेक्ड व्हीट बोलते हैं। दलिया को अंग्रेजी में क्रेक्ड व्हीट बोला जाता है। नेक्स्ट है मकई के भुने हुए, यानी कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं। अजवाइन के फूल, जिसे अंग्रेजी में चिया सीड बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे चिया सीड बोला जाता है। नेक्स्ट है कुट्टू। कुट्टू को अंग्रेजी में बकव्हीट बोला जाता है। कुट्टू को अंग्रेजी में बकव्हीट बोला जाता है। इसे हम लोग हिंदी में दलिया बोलते हैं और अंग्रेजी में क्रेक्ड व्हीट बोलते हैं। दलिया को अंग्रेजी में क्रेक्ड व्हीट बोला जाता है। नेक्स्ट है चिवड़ा। चिवड़ा को अंग्रेजी में फ्लैक्ड राइस बोला जाता है या बीटन राइस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है सेव या मैदे की सुखाई गई बटी, जिसे मैक्रोनी बोला जाता है अंग्रेजी में, मैक्रोनी। नेक्स्ट है जौ या जई, जिसे अंग्रेजी में ओट बोलते हैं। जई को अंग्रेजी में ओट बोलते हैं। नेक्स्ट है बजरा। बजरा को पियर मिलेट बोला जाता है। पियर मिलेट बोला जाता है। नेक्स्ट है जौ, जिसे पोट बर्ली भी बोला जाता है। पोट बर्ली भी बोला जाता है। मुरमुरे, जिसे अंग्रेजी में पफड राइस या राइस बबल बोलते हैं। नेक्स्ट है मडुआ या नचनी या बाउटो रागी, जिसे रागी बोला जाता है अंग्रेजी में। मडुआ को अंग्रेजी में रागी बोला जाता है। नेक्स्ट साबुदाना, जिसे अंग्रेजी में सागो बोला जाता है। साबुदाना को अंग्रेजी में सागो बोला जाता है। नेक्स्ट है सूजी या रवा, जिसे सोलिना बोला जाता है अंग्रेजी में, सोलिना। नेक्स्ट है मैदा, जिसे अंग्रेजी में रिफाइंड फ्लोर बोला जाता है। मैदा को अंग्रेजी में रिफाइंड फ्लोर बोला जाता है। नेक्स्ट सेवई, जिसे वर्मी सेली बोला जाता है अंग्रेजी में। सेवई को वर्मी सेली बोला जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट है नूडल्स। नूडल्स को अंग्रेजी में नूडल्स ही बोला जाता है। नेक्स्ट पास्ता। पास्ता को अंग्रेजी में पास्ता ही बोला जाता है। इसे हिंदी में कंगनी बोला जाता है और अंग्रेजी में फॉक्सटेल मिलेट बोला जाता है। फॉक्सटेल मिलेट बोला जाता है। नेक्स्ट इसे हम लोग कुटकी बोलते हैं और लिटिल मिलेट बोलते हैं अंग्रेजी में। लिटिल मिलेट अंग्रेजी में बोलते हैं। नेक्स्ट सामक के चावल, जिसे बर्नयार्ड मिलेट बोला जाता है। बर्नयार्ड मिलेट। नेक्स्ट है जिसे एरो रूट फ्लोर बोलते हैं अंग्रेजी में, रूट फ्लोर बोलते हैं। नेक्स्ट सिंगारे का आटा, जिसे अंग्रेजी में वाटर केसरनट फ्लोर बोलते हैं, वाटर केसरनट फ्लोर बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसे मखाना बोलते हैं हिंदी में, जिसको अंग्रेजी में फॉक्सनट बोलते हैं, अंग्रेजी में फॉक्सनट बोलते हैं। नेक्स्ट चोकर, चोकर को अंग्रेजी में ब्रान बोला जाता है। चोकर को अंग्रेजी में ब्रान बोला जाता है।
नेक्स्ट है आटा, आटा को अंग्रेजी में फ्लोर बोलते हैं, आटा को अंग्रेजी में फ्लोर बोलते हैं। नेक्स्ट चना, चना को अंग्रेजी में ग्राम बोला जाता है, चना को अंग्रेजी में ग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट राजमा, राजमा को अंग्रेजी में किडनी बीन बोला जाता है, राजमा को अंग्रेजी में किडनी बीन बोला जाता है। इसे हिंदी में मसूर बोलते हैं और अंग्रेजी में लेंटिल बोलते हैं, मसूर को इंग्लिश में लेंटिल बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है मटर, मटर को अंग्रेजी में पी बोला जाता है, मटर को अंग्रेजी में पी बोला जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है तिल, तिल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सीसेमम, सीसेमम बोला जाता है तिल को अंग्रेजी में। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है बेसन, बेसन को अंग्रेजी में ग्राम फ्लोर बोला जाता है, बेसन को अंग्रेजी में ग्राम फ्लोर बोला जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है काबली चना, जिसे अंग्रेजी में चिक पी बोला जाता है, काबली चना को अंग्रेजी में चिक पी बोला जाता है। नेक्स्ट मकई का दलिया, जिसे कॉर्न मिल बोला जाता है अंग्रेजी में, मकई का दलिया को अंग्रेजी में कॉर्न मिल बोला जाता है। नेक्स्ट है कसाब, जिसे अंग्रेजी में टोपिको फ्लोर बोलते हैं, टोपिको फ्लोर बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है रामदाना, जिसे अंग्रेजी में अमरनाथ फ्लोर बोला जाता है, अमरनाथ फ्लोर बोला जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है कोडो, जिसे कोडो मिलेट बोलते हैं अंग्रेजी में, कोडो मिलेट बोलते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है कुटकी या शवन, लिटिल मिलेट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कुटकी को लिटिल मिलेट बोलते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट इसे क्यूना अनाज बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्यूना बोलते हैं, क्यूना इसे अंग्रेजी में बोला जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेथी दाना, जिसे अंग्रेजी में फेनुग्रीक सीड बोला जाता है, फेनुग्रीक सीड। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है दलिया, जिसे पोरिज बोलते हैं अंग्रेजी में, पोरिज बोला जाता है इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है सरसों, सरसों को अंग्रेजी में मस्टर्ड बोलते हैं, सरसों को अंग्रेजी में मस्टर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इलायची दाना, जिसे अंग्रेजी में कॉम्फिट बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉम्फिट बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है धान, जिसे अंग्रेजी में पैडी बोला जाता है, धान को अंग्रेजी में पैडी बोला जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।